ढांचा भवन कुरुद में हवा में फायरिंग करने का मामला सामने आया है। गोली नागेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने चलाई है। नंदकिशोर टंडन का बच्चा बिस्किट लेने दुकान गया हुआ था, जहां उसे एक कुत्ते ने दौड़ाया। कुत्ते से बचने बच्चे ने पत्थर उठा लिया, जो नागेंद्र और बच्चे के परिजनों के बीच विवाद का कारण बन गया। जामुल थाना पुलिस ने राइफल जब्त कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। ढांचा भवन कुरुद में नागेंद्र सिंह द्वारा की गई फायरिंग से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। दरअसल नंदकिशोर टंडन का पुत्र बिस्किट लेने गया हुआ था। यहाँ नागेंद्र सिंह के कुत्ते ने बच्चे को दौड़ा दिया। कुत्ते से बचने बच्चे ने पत्थर उठा लिया। बच्चे को पत्थर उठाते देख नागेंद्र और उसके परिजनों ने बच्चों से दुर्व्यवहार किया, जिसकी शिकायत बच्चे ने अपने परिजनों से की, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। यहां नागेंद्र और बच्चों के परिजनों के बीच विवाद होने के साथ हाथापाई भी हुई। इसके बाद नागेंद्र सिंह ने अपनी राइफल से फायरिंग कर दी, जिससे अजमेर सिंह की आंखों में छर्रे लगने से गंभीर चोटें आई हैं। इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा झगड़े में मृणाल और निश्चय टंडन को भी चोटें आई हैं। निशाना चूक जाने से बड़ी घटना टल गई। गोली चलने की जानकारी लगते ही जामुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर करने वाले को अपने साथ थाने लेकर आई। पूरे मामले की जानकारी नंदकिशोर टंडन ने दी। हमारा छोटा बेटा निश्चय टंडन बिस्किट लेने के लिए रात को निकला, कुत्ते के दौड़ाने पे पत्थर को उठाया उसने मारने के लिए। उसके नागेंद्र सिंह के बेटा बसंत जो है उसको गाली दिया, बोला गाली मत दो कुत्ते, मैं मार नहीं रहा हूँ, डराने के लिए मेरे को काटेगा तो बोल के पत्थर उठाया हूँ। तो आके उसके उसे कॉलर पकड़ लिया। तो बोला ठीक है, पापा को बताता हूँ घर के। बोलने पे घर आया, मुझे बताया कि पापा मेरे को कुत्ता काटा था, मैं पत्थर मारने डराने के लिए रुका, तो मेरे को जाते खानदान को बुला के लिया, बोल करके क्या कर लेंगे देखता हूँ। मैं गया टहलते हुए बात करने, मतलब क्यों ऐसा बात कर रहा करके, सब पुराने हमने परिचय के हैं, बात कर रहे, बात मैं कर ही रहा था। उसी बीच बड़े बेटे ने कहा कि खानदान के ऊपर नहीं आना चाहिए, तब तक एजेंसी का लड़का जो बसंत है कड़ा निकाल करके मेरे बड़े बेटे मृणाल टंडन पे सर पे मारा, जो सर फट गया। उसके बाद धक्का मुक्की होने लगा, और उसके बाद फिर उसकी बीवी के छोटे उसका भाई सारे मुझ पर हमला किए। हमला पे मैंने भी अपने बचाव में जो धक्का मुक्की किया, तब नागेंद्र सिंह छत पे चढ़ करके अपना एसएससी गन को निकाल करके उस पर हमला किया, रात्र मर्डर करता हूँ करके। मैं हज गया जो ज़मीन पे लगा, और उसके बगल में खड़ा जो लड़का था एक, उसके आँखों में छता चली गई, जो अभी रायपुर आई सेक्टर में एडमिट है। एक तो वो उसका ये दूसरा तीसरे बार हो चुका है, मोहल्ला में हमेशा कुत्तों को लेकर के दो तीन बार गन निकाल चुका है वो, तो ये उसका गन का लाइसेंस रद्द किया जाए। और जो दुर्घटना हुआ है बहुत बड़ी, दोनों तीनों बच्चों को लगा है चोट, महिलाओं को भी लगा है। और सबसे बड़ी बात है, जो बच्चा नहीं था उसकी आंखों की रोशनी अब आएगी कि नहीं आएगी ये बता नहीं सकते, ये गंभीर मामला है, कानून से इंसाफ की गुहार करते हैं। विवाद और फायरिंग की जानकारी जामुल थाना प्रभारी याकूब मेनन ने दी। रात्रि लगभग ढांचा भवन क्रुद में प्रार्थी नंदू टंडन का लड़का निश्चय किसी काम से मार्केट गया था, तो गली में चले कुत्ते के भोंकने से उसे पत्थर उठा लिया और पत्थर मारने लगा। उसी बात को लेकर दूसरे पक्ष के प्रार्थी नागेंद्र सिंह के लड़के ने उसको आपत्ति दर्ज की, क्यों मार रहा है, इसी बात पर दोनों में विवाद हुआ, मारपीट हुई। तो इस बात को निश्चय ने अपने पिता नंदू टंडन को बताया। नंदू अपने बच्चे को लेकर नागेंद्र सिंह के यहाँ समझाने गया, इसी बात पर दोनों परिवार में मारपीट हो गया। इसी दौरान नागेंद्र सिंह ने आवेश में आकर हवाई फायर कर दिया था। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर अपराध तय कर प्रदान कर की जा रही है। जी हथियार जब्त हुए हैं जी, एक राइफल उनके कब्जे से जब्त किया गया है और एफ आई आर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। वो गाय का मार रहा था, हम लोग जब गए डांटने के लिए तो कुत्ता भूखने लगा, कुत्ता को मारने लगे तो हम लोग गए आकर के हम आगे मार बाप बेटे दोनों मारने के लिए। अब मेरा लड़का भी गया, वो लोग पकड़ लिए, मेरा भी लड़का मारा, वो लोग भी मारे, वसूल आकर के डांटा से 30-30 जन आकर के अब मार करके हमारा चैन भी खींच लिए हैं, नाक में खींच लिए हैं सब, सब पूरे लोग को मार करके। अब जब हम दरवाजे में बंद हुए तो जाकर के हम लोग अपने अथी किए जान बचाने के लिए।
बहरहाल नागेंद्र सिंह की राइफल को पुलिस ने जब्त कर लिया है। मामले की विवेचना जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।